चाबी कर। चाबी तो मेरे सबके पास है साहब। जा जल्दी कुछ लेके आ जा, कुछ लेके आ जा तोड़ने को। लाया साहब। ये लो पहन लो, इसे कुछ नहीं यहां तक बचेगा, यहां नहीं बचेगा, यहां बैठी तो गए। कौन चलेगा साथ में? हम चलेंगे साहब। हाँ मरोगे तो? तैयार है। तैयार है? गवर्नमेंट 25,000 रुपया देगी, मरोगे तो ड्यूटी पर 25,000 मिलेंगे बीवी को, बच्चे भीख मांगेंगे जिंदगी भर, चलेगा? चलेगा। शाबाश शाबाश, मेरे को लुटकाएंगे, मेरी फिक्र नहीं करने की, उनको इधर या इधर मारने का, समझे? ए ला रे जल्दी चल। मुश्ताक अली ने बना, उनके हरे की अपनी पहचान है, अपनी पहचान बना। वो तो सब ठीक है, मेरा बॉल दो ना अंकल। अंकल मेरा बॉल दो ना प्लीज, अंकल प्लीज बॉल दो ना, मैंने नहीं उसने मारा। थैंक यू अंकल। यशवंत लोहार, धातु पर हरकत नहीं, भूंडा लूंगा कदम, कुछ हरकत की तो बस्ट मार। कॉलिंग कंट्रोल। हेलो, तारापुर गार्डन में वाल्या असलम रंजीत सुखिया छिपे हैं, फायरिंग जारी है, जल्दी जल्दी एडिशनल फोर्स और एमिनेशन भेज दीजिए। जोशी तुम एक काम करो, तुम वहां फौरन पहुंच जाओ, वो साला पागल आदमी है, अगर उसने उन लोगों को उड़ा दिया तो हम लोग भाई को क्या जवाब देंगे। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। हेलो, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम हियर, तारापुर टावर में फायरिंग चल रही है, सारी पुलिस वहां पहुंच जाए। फायरिंग क्यों बंद हो गई? पिछला दरवाजा तो कवर है,
कहीं ऊपर तो नहीं चले गए? इंक्वायरी के लिए तैयार हो जा। इंस्पेक्टर लोहार कौन से रूम में है? जी उस तरफ।
मेरे दो हवलदार ज्यादा जख्मी हुए हैं, उनको देखो यार, इधर हाथ में लगे हैं, उनके सीने में फ्रैक्चर है। देखने के लिए और भी तो डॉक्टर है ना। देखो खतरे की कोई बात नहीं है ना, उनके फैमिली को बोल दिया है। डॉक्टर कितनी देर लगा रहे हो? हो गया क्या? प्लीज हैव पेशेंस, टाके लगाने, हिलना नहीं, जस्ट रिलैक्स। अरे कितने टाके लगा रहे हो, पैजामा समझे हो क्या? तुम यहां क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे। जाओ, वो तो हवलदार जख्मी हुए हैं, उनके घर वाले आए होंगे, उनका हौसला बढ़ाओ। जाओ दरवाजा बंद करो, कम ऑन मेक इट फास्ट। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आपको किसने इन्फॉर्म किया? वो गरीब है लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। कौन है वो, नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी। ना ये केस आपका है, ना वो एरिया आपकी ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। वो हर एरिया मेरी ज्यूरिस्डिक्शन में आता है जहां क्राइम हो रहा है। मेरे एरिया के बाहर एक गुंडा एक औरत से बलात्कार कर रहा है तो मैं इसलिए चुप रहूं क्योंकि वो एरिया मेरा नहीं है। मिस्टर लोहार, पुलिस वालों को अगर कुछ अधिकार दिए गए हैं तो साथ में नियम के कुछ बंधन भी। तुमने उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। फिर वो लोग तो सरेंडर करने वाले थे, फिर भी तुमने उन पे गोली चलाई। शूट टू किल, दैट अमाउंट्स टू मर्डर। उन गुंडों ने मेरे दो हवलदारों को मारा, वो मर्डर नहीं है। मर्डर करने वालों को मैंने मारा तो मर्डर हो गया। तुम्हारी ड्यूटी ये थी कि उन्हें पकड़कर अदालत में पेश करते। तो फिर क्या होता? फिर शुरू होती वही कहानी। कुछ जेबें खाली होती, कुछ जेबें भर जाती। दो दिन में वो जमानत पर छूट जाते, तीन महीने के बाद एफआईआर तैयार होती। फिर केस शुरू होता, चलते रहता चलते रहता। फिर इलेक्शन आ जाते, जेल का गुंडा अंदर से चुनाव लड़ता, उसके गुंडे डरे हुए लोगों को और डराकर जबरदस्ती वोट लूटते। जेल का गुंडा एमएलए बन जाता, वो खुश, आप खुश। किस्सा यहीं से शुरू होता, यहीं पर खत्म। कलाबाजी की तरह आजकल एक और बाजी पाई जाती है, आदर्शबाजी, नशा है एक तरह। मिस्टर यशवंत लोहार, जब तक आप अपना रवैया नहीं बदलते, खुद को नहीं बदलते, तब तक मैं आपको न मैं बदलूंगा ना तो मेरा रवैया बदलेगा। अगर आपको बदलना है तो वह शपथ बदलिए जो कमीशन के वक्त दी जाती है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा, भारतीय गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, धर्म भाषा जात पात के नाम पर लोगों में वैमनस्य फैलने नहीं दूंगा। संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उसका इस्तेमाल निष्पक्ष होकर ईमानदारी से करूंगा। बजाय इसके भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन है, भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार है, उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है। जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक दिस, यू नो, इट शुड बी लाइक दिस, डोंट यू थिंक? मिस्टर यशवंत लोहार, यू आर सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। यश, ये इंक्वायरी कमीशन भी कुछ अहमियत रखता है? इंक्वायरी कमीशन काय का, सीधा कह देते तुम्हारी जरूरत।